डियर स्टूडेंट्स, अभी आप सभी के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि सर रिवॉल्यूशन रीचेक का रिजल्ट कब आएगा। हम बात कर रहे हैं PDUSU जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी की है, उसके रिवॉल्यूशन या जिसको आप रीचेक भी कहते हो उसकी जो रिजल्ट की डेट है वो कब आएगी। इसी रिजल्ट को डेट को लेकर मैंने कई प्रकार की रिसर्च किए हैं, कई प्रकार से डेटा कैलकुलेट किया है। इसके लिए जो BSc BA या BCOM आपका जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फाइनल से हो, इसके रिजल्ट की डेट को रिवॉल्यूशन की डेट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यूनिवर्सिटी के जो नंबर दे हैं इन दोनों नंबरों पर कॉल करके वहां के ऑपरेटर से कॉन्टेक्ट किया है। साथ में मैं वन टाइम यूनिवर्सिटी भी विजिट करके आया हूँ और जो RR मुरार का गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू में है वहां के प्रोफेसर से बात की है। साथ में मैं दो तीन कॉलेज ग्रुप के जो ग्रुप्स है व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से भी कई प्रोफेसर से बात की है जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो उन सभी ने ये की कहा है और ये कहा है कि नेक्स्ट मंडे का मीनिंग है ऑल ओवर आपका रिजल्ट है 7 नवंबर तक आपका रिजल्ट है, यानी नेक्स्ट मंडे को आपका रिजल्ट है आ जाएगा। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत डिले का मीनिंग है ये 7 नवंबर यानी 7 नवंबर है वो शिफ्ट होके 10 नवंबर हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि जो यूनिवर्सिटी फॉलो करती है वो इस तरह का क्राइटेरिया फॉलो करती है। पहले यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूजी का रिजल्ट करती है, यूजी का रिजल्ट निकालती है, उसके बाद में पीजी का रिजल्ट निकालती है और उसके बाद में यूजी के रिवॉल्यूशन के फॉर्म निकालती है, फिर पीजी के रिवॉल्यूशन के फॉर्म निकालती है। अभी यूनिवर्सिटी में क्या है, ऑल ओवर यूजी की क्लासेस BSc BA BCOM सबके ऑल ओवर के रिजल्ट आ गए, पीजी के रिजल्ट भी आ गए हैं। अभी कल ही पीजी जो प्रीवियस एमए एमएससी एमकॉम प्रीवियस सबका रिजल्ट आ गया है, पीजी फाइनल का रिजल्ट अभी 20 दिन पहले आ गया, यानी सबका रिजल्ट आ गया है। तो यूनिवर्सिटी के पास में नेक्स्ट स्टेप यही है यूजी रिवॉल्यूशन रिजल्ट, यानी जो आपकी बीएससी बीए बीकॉम है उसका रिवॉल्यूशन का रिजल्ट। ये स्टेप इसकी कंप्लीट होगी तो पीजी का रिवॉल्यूशन का रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट स्टेप होगी सप्लीमेंट्री एग्जाम। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम किसके लिए, देखो जो PPTO वाले बोल रहे थे, जो PPTO जो क्या हुआ था बीएससी सेकंड ईयर या बीए सेकेंड ईयर या बीकॉम सेकेंड ईयर में फेल हो गए थे या जिनका क्या हुआ था फाइनल ईयर में फेल हो गए थे, उनके लिए एक चांस मिलता है ओनली फाइनल ईयर वालों को या पीपीटीओ वालों को कि वो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। पीजी रिवॉल्यूशन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म आएंगे, फिर सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा और फिर क्या होगा आपके न्यू सेशन के फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे। इस तरह से यूनिवर्सिटी का प्रोसेस रहता है। तो इस वीडियो का मेरा मीनिंग यही था कि मोस्टली स्टूडेंटों ने यही कहा था कि सर इसका रिवॉल्यूशन का रिजल्ट कब तक आएगा, कोई इसके बारे में अपडेट प्रोवाइड करवाओ। तो मैं आपको ये कंफर्म करता हूं 7 नवंबर यानी नेक्स्ट मंडे है तब तक इसका रिजल्ट है वो आ जाएगा। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है तो इसी के रिगार्डिंग आपको मैंने यही कहा है 7 से शिफ्ट हो सकता है ये 10 पे। यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग मैंने कई प्रकार की वीडियो बनाई है, रिवॉल्यूशन से रिगार्डिंग बनाई है, रिजल्ट से रिगार्डिंग बनाई है, किस तरह से रिवॉल्यूशन कराना है, PPTO EFFY या जिस भी तरह का डाउट है मैंने अप्रोक्स वहां पे 15 के अप्रोक्स से वीडियो बनाए हैं, आप मेरे यूट्यूब में जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक मेरे यूट्यूब सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग यदि कोई लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।